Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading about adjectives. Adjectives क्या होते हैं? Describing words, जो noun और pronoun के बारे में हमें कुछ और information जो है, added information जो है, वो provide करते हैं. और kinds में हमने पढ़ा था, first one was quality, जो कि noun या pronoun की विशेषताएं बताता है हमें, या फिर किस kind के हैं, किस type के हैं, वो बताता है. और हमने पढ़ा था क्वांटिटी के बारे में, जो कि हमें आंसर करता है हाउ मच का. एंड द थर्ड वन इज़ नंबर. जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, नंबर किसकी बात करते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है. सो इट टेल्स अस हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं या कितनी चीज़ों की बात कर रहे हैं, उन्हें हम किन एडजेक्टिव्स में काउंट करते हैं, जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसमें, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है. यहाँ पर जो मैन है दैट इज़ आ नाउन, और यहाँ पर ऑल जो है वो है एडजेक्टिव. हियर ऑल जो है हमने किसमें यूज़ किया था, हमारा जो क्वांटिटी है उसमें भी यूज़ हम कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई चीज़ काउंटेबल है, जैसे आप काउंट कर सकते हैं, तो उसे आप किस में रखेंगे? हम उसे रखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मेनली हमें फोर चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं: कॉर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. बात करते हैं कॉर्डिनल्स की. तो आपने देखा होगा हम लिखते हैं वन, टू, थ्री, फोर. सो इस वे में जब नंबर्स लिखे जाते हैं तो उन्हें हम कैसे क्या कहते हैं? कॉर्डिनल्स एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है. देर आर टू थिंग्स, ओके. देर आर टू थिंग्स. फर्स्ट इज अ बुक एंड सेकेंड इज अ पेन, ओके. सो हियर टू किसकी कैटेगरी में आता है? कॉर्डिनल्स की. तो हमने पहचान लिया थिंग्स यानी चीजें. तो चीजें तो हो गई हमारा नाउन, और टू हो गया हमारा एडजेक्टिव, ओके. देन वी हैव फर्स्ट, देन सेकेंड. तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ऑर्डिनल्स, ठीक है. ऑर्डिनल्स जैसे हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो ये जो वर्ड होते हैं इन्हें हम किस में काउंट करते हैं? इन्हें हम काउंट करते हैं ऑर्डिनल्स में, ओके. सो इट इज़ क्लियर नाउ. देन वी हैव इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इनडेफिनाइट जैसे कि ऑल हो गया, ठीक है, सम हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है. तो जहाँ पर आप काउंट करेंगे, लेकिन जब बात की जाएगी तो कोई डेफिनेट वर्ड का आंसर नहीं किया जाएगा. जैसे कि इसमें कहे गए देर आर टू चिल्ड्रन, ठीक है, वहाँ कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं. लेकिन जब मैं ये कहूँ देर आर सम चिल्ड्रन, तो वहाँ पर क्या है? इनडेफिनेंसी है. वहाँ पर मैं निश्चित तौर पर नहीं कह रही कि कितने बच्चों की बात है या कितने बच्चे वहाँ पर हैं. तो उन्हें हम काउंट करते हैं या लिखते हैं इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव में, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने पढ़ा होगा हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है. तो इन वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव में काउंट करते हैं, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स इन ईच क्लास, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स इन ईच क्लास, यानी कि प्रत्येक क्लास में बांट दो. अब क्लासेस कितनी हैं वो तो आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में क्लासेस होंगी तो आप आराम से काउंट करते हैं, ठीक है. लेकिन ये किस में काउंटेबल होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ओके. सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. प्रोनाउंस में भी आपने एडजेक्टिव पढ़े हैं, देन नाउंस में भी पढ़े हैं. अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चन वाले मेनली थ्री जो हैं वो हम इसमें काउंट करते हैं: व्हाट, व्हिच एंड हूज, ओके.
और इंटरोगेटिव है तो ऑब्वियसली किस लिए यूज़ किया जाएगा, क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो मैंने पूछ लिया वॉट इज देयर, वहाँ क्या है, ठीक है। वॉट देन हम बताते हैं हुज से, हुज पेन इज दिस, ये जो है किसका पेन है। तो मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया, मेरा नाउन भी हो गया और मेरा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो गया। विच वे शुड वी गो, हमें किस रास्ते जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विच हो गया हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा रास्ता जो है वो हमने काउंट कर लिया हमारे नाउन पे, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर हम बात करते हैं डेमोंस्ट्रेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है आपने और अब हम पढ़ेंगे इसको एडजेक्टिव में, ठीक है। डेमोंस्ट्रेट मतलब पॉइंट आउट करना चीज़ों को, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन में चीज़ें सिर्फ इतनी सी हैं कि नाउन जो की जगह पर जो रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन में काउंट करते हैं, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। सो डेमोंस्ट्रेटिव है तो वही चार वर्ड यूज़ किए जाएंगे, दिस दैट दीज एंड दोज, ओके। और अब हम अगर इन्हें लिखें तो सेंटेंस में मैं यूज़ कर सकती हूँ दैट आइडिया वॉज गिवन बाय मी, ठीक है। आइडिया हो गया नाउन और दैट हो गया यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हैं उनका हम यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। फिर हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव की, तो वो होगा हमारा पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है, वर्ड सेम रिपीट होते हैं। अगर ग्रामर इज़ वेरी मच इंटरकनेक्टेड, ठीक है। पजेशन, पजेशन क्या होता है, स्वामित्व या फिर अधिकार, जिसको आप अपना कहते हैं। तो अपना किसका हो गया, माई, हिज, हर, दियर, योर्स, तो ये सारे वर्ड क्या शो करते हैं, पजेशन शो करते हैं। और ये सारे वर्ड के हम बारे में हमने किस में जाना था, प्रोनाउंस में। तो हमें ये वर्ड्स इंट्रोडक्शन वहाँ पर करवा दिया गया था। अब ये बोल रहे हैं कि आप इन वर्ड का यूज़ करिए पजेसिव एडजेक्टिव्स में, कैसे करेंगे। माय पेन इज दिस, ये मेरा पेन है, ठीक है। और मैं इसको अगर लिखूं, दिस इज माय पेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेन नाउन है, माय एडजेक्टिव है और ये मेरा एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, शो कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी एडजेक्टिव में काउंट कर सकती हूँ, आप इसको प्रोनाउन में भी काउंट कर सकते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको कह लो या फिर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कर लो। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो हमने इसको माना प्रोनाउन, इसको माना एडजेक्टिव और इसको मान लिया हमने नाउन। तो जो वर्ड्स पजेशन शो करते हैं यानी कि अधिकार या स्वामित्व शो करते हैं, उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम किस में काउंट करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स में, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक की। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।